अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर फौजिया एंड फूड कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंपल एंड इजी भिंडी की रेसिपी। भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली हूँ भिंडी और इसको दो तीन बार वॉश कर लूँगी, और साथ में मैं चाय भी पी रही थी। वॉश करके हो चुकी है, अब मैं भिंडी के ऊपर और नीचे का हिस्सा काट लूँगी, फिर इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। इसी तरह से सारी भिंडी काट लेंगे। भिंडी कट कर हो चुकी है, अभी मैं इसका मसाले के लिए काट लूँगी प्याज। मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज ली हूँ और चार टमाटर और पांच से छह हरी मिर्ची, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं मसाला। और ये बच्चे डांस करते हुए। भिंडी और मसाले की कटिंग हो चुकी है, अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और इसमें डाल लेंगे अपने प्याज। हम लोग प्याज लंबा काट कर डालते हैं, आप चाहे तो इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं। और इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा पहले डालना था, मैं भूल गई थी इसलिए वो बाद में डाल दिया। अब इसमें डाल लेंगे हरी मिर्ची, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। एक बार दोनों चीज़ें अच्छे से भून गई, फिर इसमें हम टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर को भी ऐड करके हम अच्छे से भून लेंगे और फिर इसमें अपने बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये हमारा भिंडी का मसाला भून चुका है, अब हम इसमें डाल लेंगे नमक। अभी हम इसमें डाल लेंगे हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर और इसे बीच से भून लेंगे। मसाला भुन जाएगा, फिर इसमें हम अपनी भिंडी ऐड कर लेंगे। ये मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें अपनी भिंडी ऐड कर लेंगे। ये भिंडी मैंने डाल चुकी है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे ढक्कन रखकर पकने छोड़ देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डालूंगी, आप चाहे तो बिना पानी डाले भी बना सकते हैं। ये भिंडी पककर रेडी हो चुकी है, अब हम इसे इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ कोथमीर और ये गर्मा गर्म सर्व करने के लिए तैयार है। हम सब बैठ चुके हैं खाना खाने, आप भी आ जाए। आपको हमारी भिंडी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।